ठीक है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नेम इज विदुषी उपात्याय एंड आई विल बी आई विल बी टीचिंग यू आई विल बी योर मेंटोर फॉर फॉर इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ठीक है जो एस एस ए सीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है आपका उसमें आई विल बी मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आगे बढ़ते हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री जो हमारा सीजीएल के लिए जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसका पूरा डिटेल सिलेबस समझेंगे और कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो तो सबसे पहले तो हमें आ, ये समझना है कि किस किस पार्ट में ठीक है टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर फोर टीयर्स होते हैं फोर स्टेजेस होते हैं ऐसे एस सी एग्जाम के ये तो आपको मतलब बेसिक क्या पैटर्न है एग्जाम का ये तो आप लोग ने एक बार ही आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस की आप लोग ने पढ़ा होगा है ना लेकिन उसमें फिर भी मैं छोटा सा एक शॉर्ट में बता देती हूँ जो टीयर वन है उसमें केवल आपका हिस्ट्री आता है ओके टीयर वन टीयर टू दोनों में इकोनॉमिक्स आता है बट यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे सिर्फ टीयर वन के लिए उसी में आ, हिस्ट्री आपका पूरा आता है अब देखो हिस्ट्री हमें तीन पार्ट में पढ़नी है एशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट होगा एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का उसको तीनों को साथ में हम लोग अलग से करेंगे यहाँ पे हम लोग आर्ट एंड कल्चर जब भी हम लोग एंशियंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ेंगे उसमें कवर नहीं करेंगे ये जब तीनों खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ मैराथन सेशन रखेंगे जिसमें कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर अलग से कवर करेंगे ओके अगर मेरी वॉइस कहीं पर भी ब्रेक करे कुछ भी हो आप एक बार मेरे को कॉमेंट कर देना एक चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना चलो डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल सिलेबस हमें क्या क्या वी विल बी कवरिंग इन द जो हमारा बैच आने वाला है ट्वेंटी सेकेंड मे से ठीक है सॉरी ट्वेंटी सेकेंड जनवरी से ओके okay? देखो एंशियंट हिस्ट्री में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स कवर करना है फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करना है ऋग्वेदिक पीरियड जैनिज्म बुद्धिज्म महाजनपता मॉर्न एम्पायर पोस्ट मॉर्न इंडिया गुप्ता पीरियड हर्षवर्धन पीरियड और संगम पीरियड अभी ये पूरी लिस्ट मैंने डिटेल प्रोवाइड कर रखी है बट इन द फर्दर स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि इनमें से भी कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं किस पे फोकस ज्यादा रहेगा हमारा बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ओके प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके आप यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग लिस्ट देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे इसमें कवर करेंगे जो मेजर अर्ली मिडिवल इंडिया की ठीक है अर्ली मिडिवल इंडिया की कुछ मेजर डायनेस्टीज फिर चोलास कुछ साउथ इंडियन किंगडम्स फिर अर्ली मुस्लिम डेली सल्तनत स्ट्रगल फॉर द एम्पायर इन नॉर्थन इंडिया जो कि अफगान राजपूत एंड मुगल्स जिसमें आ जाते हैं ओके okay? फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन एम्पायर फिर कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर इसमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा अकबर का पार्ट है ओके okay? फिर बाद में फॉरेन पॉलिसी अगर टॉपिक आ जाता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है आपके लिए फिर empire, फिर modern, uh, फिर विजयनगर एम्पायर अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर रीजनल स्टेट इन मिडिवल पीरियड देन इन द मॉडर्न पार्ट वी विल कवर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बिफोर 1857 और उसके बाद क्या चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक पॉलिसीज इंपैक्ट कैसा था उनका सिविल सर्विसेज एजुकेशन फील्ड में प्रेस में क्या-क्या डेवलपमेंट्स -क्या हुए कौन-कौन से एप्स लाए गए देन फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट हुए सोशल पर्सनालिटीज मॉडर्न इंडिया में क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटीज मैंने अलग से टॉपिक इसमें इसलिए डाला है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं किसी पर्सनालिटी को लेकर के है ना कि ये वाला जो एक्ट था इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किनका था ना कि वो एक्ट पूछा जाएगा उसमें डायरेक्ट पर्सनालिटी का नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सब में से कौन सा मूवमेंट है जिसमें इन्होंने लीड पार्ट के तौर पे एक्ट किया था ठीक है फिर आता है पीजें ट्राइबल्स एंड अदर मूवमेंट्स ओके देन नेशनल मूवमेंट्स नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट सेकेंड गवर्नर जनरल्स की पूरी लिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया अब देखो तीनों को हम लोग कैसे कवर करेंगे मैंने कहा था स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है एंशियट इंडियन हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मेनली जो जैसे नॉर्मली इसमें क्योंकि डेट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग आप सोर्सेस देखोगे तो कहीं कहीं डेट अलग अलग दी रहती है तो इसमें थोड़ा डेट्स पे फोकस करके हम लोग पूरी एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे देन यहाँ पे मिडिबल हिस्ट्री इसको हम लोग कवर करेंगे डायनेस्टीज <laughs> और मतलब मीनी किंग्स पे फोकस करके है ना यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री को सबसे आसान तरीके से पढ़ने का तरीका होता है आर्ट एंड कल्चर उसका उठाओ अ, जब आर्ट क्योंकि वहां पे इतने फोर्ट्स बने इतना सब कुछ हुआ कि हमारा आर्ट एंड कल्चर के जरिए मेडिवल हिस्ट्री याद करना थोड़ा आसान हो जाता है ना और साथ ही साथ हाँ मिडिवल हिस्ट्री में एक और चीज होती है रिलीजियस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जितने भी किंग्स आए उन्होंने मतलब uh, उनकी हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो सबसे बड़ा सेक्शन हिस्ट्री का मिलता है इकोनॉमिक और रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए अकबर ने क्या किए फिर जहांगीर ने क्या क्या किया रिलीजियस रिफॉर्म्स है ना तो इस टाइप के टॉपिक्स को हम लोग ज्यादा उस पर फोकस करेंगे देन मॉडर्न हिस्ट्री में इसका हमारा अप्रोच सबसे ज्यादा अलग होगा कैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे मैंने सिर्फ डाल दिए हैं टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक्स ओवरऑल हम लोग कवर करेंगे ठीक है लेकिन ये सारे टॉपिक्स को हम लोग ऐसे नहीं कवर करेंगे कि आज हमारा लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया नहीं कुछ तीन चार टॉपिक्स हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे लेकिन हमारे जो मेनली लेक्चर्स होंगे वो होंगे पूरे गवर्नर जनरल के ऊपर बेस्ड होंगे ठीक है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे उसके बाद कौन से थे पर गवर्नर जनरल ठीक है हर एक गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा एक्ट आया कौन सा मूवमेंट हुआ कोई वॉर हुई एक एक चीज हम लोग उठाएंगे कब गवर्नर पहले सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल थे फिर अः फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर वाइस चाइन ऑफ इंडिया इन पूरी लिस्ट को हम लोग उठा करके सबके टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उससे हम लोग ए टू जेड मॉडर्न हिस्ट्री को अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे इससे हमें क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबी है ना मॉडर्न हिस्ट्री मुझे लगता है कि मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसका सिलेबस भी ज्यादा है तो इसको इस तरीके से याद करना और हम लोग क्रोनोलॉजी बिना भूले इवेंट्स की एक्ट्स की मोमेंट्स की इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से रिटेन कर सकते हैं पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ठीक है आप देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें भी कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं तीनों में एशियंट मिडिवल मॉडर्न में एशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है इससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे इसमें भी आ, थोड़ा क्वेश्चन आते हैं इरीगेशन वगैरह से लेकर के उससे रिलेटेड फिर आ, रिले आ जाता है साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कुछ साइट्स है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड इन सब पे आ जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन और मॉरियन से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं गुप्ता एम्पायर से भी क्वेश्चंस आते हैं ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंशंट इंडिया के देन मिडिवल इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट है ना फिर मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और क्वेश्चन आते हैं अगर आपने पी वाई क्यू एनाइज किया होगा नहीं एनालाइज किया है कोई बात नहीं हम लोग अपने लेक्चर्स पे एनालाइज करेंगे हर क्लास में उस टॉपिक जो टॉपिक पे वो सेशन चल रहा है जो लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग आखिर के आधे घंटे निकालेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के लिए ठीक है फिर ये कुछ हो गए हमारे मिडिवल इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया में मिली रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी इम्पोर्टेंट हो जाता है है ना जस्ट वन सेकेंड हाँ तो इंडियन नेशनल मूवमेंट देन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप लोग पॉलिटी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो uh,

कैसे मतलब कहाँ से कवर करना है ये तो था सिलेबस लेकिन सिलेबस कवर कहाँ से करना है दैट इज बुक्स के बारे में बात कर ली एक है बुक स्पेक्ट्रम आप लोग ने सुनी होगी स्पेक्ट्रम थोड़ी थोड़ी थिक आती है वो कितनी मोटी होती है है ना स्पेक्ट्रम है एक बुक देन बिपिन चंद्रा बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं ठीक है ठीके? इतना मतलब मोटी बुक नहीं है उसको आई थिंक आप बैठोगे तो चार पांच दिन में खत्म कर सकते हो खुद से एक रीडिंग माननी हो तो रोमेला था पर, एक बुक है और सतीश चंद्रा इन सब में से ठीक है इन सब में से चंद्रा स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हो और सतीश चंद्रा किसके लिए मतलब सही आपके लिए रहेगी मिडिवल हिस्ट्री के लिए फिर कुछ आप नोट्स वगैरह भी देख सकते हो हमारे अगर आपको ये बुक्स ठीक है नोट्स में आगे बढ़ने से पहले आ, मैं बता दू अगर ये बुक्स नहीं पढ़नी है ठीक है जो मैंने बताया कि इतनी मोटी मोटी बुक्स है अगर ये बुक्स नहीं पढ़नी है इनके पूरे नोट्स चाहिए वो भी इस तरीके से चाहिए कि वो खाली बुक जैसे ना लिखा रहे उसमें माइंड मैप्स भी हो उसमें ट्रिक्स भी हो कि कैसे चीजों को याद करना डायनेस्टीज में जो भी डायनेस्टीज रही है डेली सल्तनत में कौन सी पहली डायनेस्टी थी ठीक है कौन सी बाद में कौन सी थर्ड नंबर पे आई तो इन सब के ऊपर भी हम ट्रिक्स प्रोवाइड कराते हैं कि कुछ चार्ट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि याद हो सके है ना तो इस वजह से आप इसको कैसे स्किप कर सकते हो हमारे लेक्चर से जो हमारा मैराथन बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी से उसको आप अटेंड करोगे तो उसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा ये लेक्चर हमारा चलेगा मई तक ठीक है मई तक ये हमारा लेक्चर चलेगा ये जो पूरा का पूरा हमारा बैच है उसमें आपको नोट्स तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड होंगे फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी पूरा हफ्ते में एक एक दिन नहीं डेली क्लास में कुछ भले ही पांच ही क्वेश्चंस कराए यहाँ पे हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे आपको डेली एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट होगा मॉक टेस्ट तो होगा आपको मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड किए जाएंगे हर क्वेश्चन पे आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे बट डेली क्लासेस में भी कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए जाएंगे और उसमें डिस्कस ये किया जाएगा कि कौन सा आंसर सही है लेकिन हमारे क्लासेस में आपको ये भी डिस्कशन मिलेगा कि बाकी आंसर गलत क्यों और वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो सही होता ऑप्शन इतना डिटेल डिस्कशन होगा आ, पूरा हर क्वेश्चन पे ठीक है अभी दो बोनस पॉइंट्स में लास्ट में आप लोग को बताऊंगी थोड़ा आप लोग वेट कर लो ट्रिक्स का मैंने बताई दिया हिस्ट्री में कितने ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री को पूरा रिटेन करने के लिए अच्छे से रिटेंशन अपना बनाए रखने के लिए हिस्ट्री को हिस्ट्री के रिगार्डिंग ठीक है तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है अब मैं बता दूं कि कोर्स जो है हमारा कब से कब तक ये बैच चलेगा ये जो बैच है इसकी डेट है इस, कमेंसिंग डेट है स्टार्टिंग डेट है ट्वेंटी सेकेंड जनवरी ठीक है ट्वेंटी सेकेंड जनवरी से ट्वेंटी सेकेंड जान से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कब तक कब हो रहा है एंड हो रहा है ट्वेंटी फिफ्थ में ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ मे को ये एंड हो रहा है इतने में आई एम मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा विद प्रैक्टिसिंग uh, एमसीक्यूज मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड जाएंगे और क्या क्या ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे English, एट, uh, GS, एट, uh, Maths, हर सब्जेक्ट के लिए हर एस एस सी सीजियर के सिलेबस के लिए पार्ट के लिए आपको बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं साथ ही साथ लाइव इंट्रेक्टिंग क्लासेस होंगे हमारे बैचेस में ये एक, एक चलता आ रहा है हमेशा से कि कि हमारे हर कुछ दिन पे क्लासेस होती रहती हैं जो भी बैच चल रहा है उसमें बीच बीच में डाउट सेशंस भी होते हैं जिसमें हम लोग डाउट्स क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स का और अभी तक जितना भी मतलब मान लीजिए छह लेक्चर के बाद एक डाउट क्लास रख लिया मैं तो पर्सनली ये जरूर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स जो भी हमारे बैचेस चलते हैं उसमें Uh, कि एक डाउट क्लास तो मैं रखती हूँ जिसमें अभी तक छह सारे क्लासेस जो हुई उससे उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है क्या या उस उस उन लेक्चर्स के रिगार्डिंग uh, कोई उसी से रिलेटेड कोई आप लोग ने MCQ's अलग से प्रैक्टिस की हो तो उसमें कोई डाउट हो डाउट हो तो वो सारे डाउट हम लोग क्लियर करते हैं उस डाउट सेशन में ठीक है फिर टेस्ट आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स मिलेंगे होमवर्क वगैरह जैसे स्कूल में होमवर्क करते थे ना तो हमारे यहाँ आपको असाइनमेंट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे साथ ही साथ बहुत ही रीजनेबल फीस है हमारी आप चेक कर सकते हो हमारी फीस फीस स्ट्रक्चर को भी आप देखो फीस के रिगार्डिंग में आप लोग को बोल रही थी ना कि दो बोनस पॉइंट्स आप लोग को बताए जाएंगे उसमें से पहला बोनस पॉइंट क्या है पहला है कि अगर आपकी जो अटेंडेंस है मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन किया और आपकी जो अटेंडेंस है वो हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो उसमें क्या होगा हंड्रेड परसेंट सिर्फ लेक्चर्स में नहीं हंड्रेड परसेंट सिर्फ टेस्ट में नहीं दोनों को मिला करके अगर हंड्रेड परसेंट है तो आपको ट्वेंटी परसेंट फीस में डिस्काउंट मिलेगा ठीक है ट्वेंटी परसेंट फीस में डिस्काउंट मिलेगा ये पहला बोनस या ऑफर कह लो हमारी तरफ से है स्टूडेंट्स के लिए दूसरा अगर मान लीजिए आज की डेट पे किसी स्टूडेंट ने कोई बैच ज्वाइन किया है क्या मान लीजिए से 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 स्टार्ट स्टार्ट है क्लासेस तो से, 20 से, स्टार्ट से, स्टार्ट जाने से क्लासेस तो सॉरी किए हैं और अगर दिन के अंदर अंदर उसको लीजिएफेक्शन नहीं होता है कि मतलब मुझे ये बैच समझ में नहीं आ रहा टीचर का पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा तो आपका फुल फीस रिफंड भी किया जाएगा उसमें आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा फीस रिफंड इसमें आप लोग को किया जाएगा ये दो मेनली बोनस पॉइंट थे हमारे बैच के और कोई डाउट हो तो आप लोग में से बॉक्स में पूछ सकते हो अगर सब कुछ क्लियर हो तो आप यस भी लिख सकते हो या थम्स अप दे सकते हो, हो दे सकते हो एक और एक क्लास जो हमारी जो क्लास है हिस्ट्री की वो क्या होगी वो उसका टाइमिंग है मंडे से सैटरडे ठीक है मंडे टू सैटरडे टू आवर्स ठीक है टू आवर्स अ डे हमारा ये पूरा क्लास का टाइमिंग है और किस किस दिन होगी वो होगी मंडे टू सैटरडे कोई भी डाउट हो कुछ भी हो या इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो